कैसा लग रहा है वाशी? पानी के बिना जिंदगी बहुत अधूरी है मेरे दोस्त। कैसा है मूसा? तू जिंदा है, मैं खुश हूं। प्यासा है? यहां से 4 मील की दूरी पर एक नदी है, चलें? अब कोई नदी नहीं है मूसा, वह हमारे पूर्वजों का फैलाया हुआ कचरा है बस। जो लोग वहां रहते थे वो गांव छोड़कर चले गए, और जो लोग बचे वो कोरोना की चपेट में आ गए। हाँ, तूने बताया तो था, तो फिर अब क्या? हार मान जाएगा वाशी? पर तू तो कभी हार मानता ही नहीं। लोग इसे प्यार की निशानी बोलते थे। वो प्यार जो तू इस दुनिया से करता है, वो प्यार जो मैं इस दुनिया से करता था। पर देखना, लोगों ने इस प्यार की निशानी का क्या किया, देखना लोगों ने इस धरती का क्या किया। मेरे दादा मेरी दादी के साथ 2 बार यहां पे आए थे, उन्हें ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो हमेशा कहते थे कि ऐसी निशानियां हमेशा जिंदा नहीं रहती, बस हम पे राज करने वाली ताकत इन निशानियों से पैसे कमाती और उस पैसे का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करती। तू जानता है वासी, लोग इसी पैसे से पहले बीमारियां बनाते थे और फिर उसी बीमारी की दवा बनाकर और पैसे कमाते थे। पैसे का लालच इस दुनिया को खत्म कर देगा, यह हम नहीं जानते थे, पर वो तैयार थे। इसलिए उन लोगों ने स्पेस प्रोग्राम में साइन किया और मार्स पर चले गए। और हमें यहां मरने के लिए छोड़ गए। थोड़े बहुत प्रिकॉशन से हमारे पूर्वज शायद इसे रोक सकते थे, पर साला किसको फर्क पड़ता है। तू तो ध्यान देगा ना वाशी? धरती का रंग आज लाल है इसलिए नहीं कि आज अरबों लोगों का खून इस धरती पर फैला हुआ है, बल्कि इसलिए कि इस धरती ने उन जख्मों को कुरित कुरित कर अपना खून बहाया है जो जख्म हम इंसानों ने इसे दिए हैं। जब से इंसान धरती पर आया तब से इस धरती को उसने वो हर जख्म दिया जिससे आज इस धरती का गुस्सा लावा की तरह फूट रहा है। पानी खत्म होना, ग्लेशियर पिघलना, गंदगी, बीमारियां, जानवरों के साथ ऐसा बढ़ता।
हम भूल गए कि जब धरती को दर्द होता है तो वो हमें कैसा दर्द देती है। ये तबाही एक तोहफा है जो हमें हमारी हैवानियत के बदले मिला है। ये कायनात खुद की कीमत वसूलना जानती है और ये कीमत हमें अपनी जान देकर चुकानी होगी। मेरा नाम वाशी है और मैं एक इंसान हूँ, और आज शायद इतने इंसान नहीं बचे जिनसे मैं ये मांग सकूँ कि अब जितना बचा है उसे वो उसी तरह दोबारा सजा सके जैसे धरती हमारी जिंदगी संवारती है। मगर फिर भी आज इस खाली और वीरान दुनिया में मैं आवाज़ उठाकर आने वाली नस्लों से ये मांगता हूँ कि कभी भी इस धरती को ऐसा घाव न दे कि ये धरती दर्द से इतना चीख दे कि दोबारा ये किसी को दर्द पहुंचाने का मौका ही ना दे।